हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस डिवाइस का नाम क्या है, किस तरीके से ये वर्क करती है, सारी जानकारी लेंगे ए टू जेड। ठीक है, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ना करो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे ये देख पा रहे हो, ये एक स्विच है जिसे बोलते हैं ऑन ऑफ स्विच। ये इसका पोटेंशियल मीटर बोल सकते हैं या वेरिएबल प्रतिरोध बोल सकते हैं, यानी कि ये घटाने बढ़ाने का काम करती है। इसे ट्रिप भी देखो आप देख सकते हैं। ये एक सिलेक्टर स्विच भी होता है कि आपको सेलेक्ट करना होता है। ये आपकी जो है ग्रीन लाइट है, ये आपकी रेड लाइट है। ये आप इसमें घड़ी लगी हुई है, इस घड़ी का काम क्या है, आपकी कितने घंटे ट्वेल चली है, या देखो ज़रूरी नहीं है ट्वेल पर लगा हो, आप जहाँ पर लगा रहे हो ये डिपेंड करती है कि कितने घंटे आपकी वो वाली युक्ति चली है जिस युक्ति पर यह लगा हुआ है। ये थ्री फेज पे काम करता है, ये सिंगल फेज पे काम नहीं करता। इसके अंदर देखिए आप देख पा रहे हो कि ये मिनिमम पांच वायर है। जब आप हर चीज़ के बारे में जान लोगे तो आपको हर चीज़ के बारे में पता लग जाएगा कि कौन से वायर कहाँ लगेंगे, किस तरीके से ये काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम इसे ऑन करते हैं, मान लो कि अगर पीछे से थ्री फेज की जगह मात्र दो फेज हो, ठीक है, यानी कि पीछे थ्री फेज आने चाहिए, इसको दो ही फेज मिलते हैं, तो यह क्या करेगा, लाइन क्लियर नहीं दिखाएगा, ये दिखा देगा लाइन जो है फॉल्टी है, यानी कि ग्रीन लाइट सॉरी रेड वाली लाइट जलेगी और दिखाएगा कि लाइन फॉल्टी, यानी कि लाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब उसमें आपका क्या क्या हो सकता है, उसमें आपकी एमसीबी ख़राब हो जाए, या पीछे से वायर हट जाए, या जो आपके किटकैट फ्यूज लगे होते हैं, जो इस टाइप के देखो किटकैट फ्यूज लगे होते हैं, इनमें से एक आधा आपका फ्यूज उड़ जाए तो भी ये आपका क्या दिखाएगा, लाइन फॉल्टी ही दिखाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो अपनी तरफ से, अगर लाइन फॉल्टी यानी कि रेड दिखा रहा है, इसके भी दो रीज़न हो सकते हैं, लाइन फॉल्टी दिखाने के भी दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न, अगर पीछे से सप्लाई ना आ रही हो, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, अगर ये जो दो वायर है, देखो ये जो आप इसमें देख पा रहे हो उसमें दो सेम कलर के जो वायर है ब्लैक वाले, अगर इन्हें भी कभी कभी हमें चेंज करने पड़ते हैं तो उसके कारण से भी ये हमें रेड वाली लाइट दिखा देगा। ठीक, अगर लाइन बिल्कुल ओके हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ग्रीन दिखाएगा। जैसे ही हमने इसे ऑन किया तो ग्रीन लाइट दिखा रहा, तो यानी कि बिल्कुल ओके है। उसके बाद बात करते हैं हम अभी स्टार्टर की। ये हमारा DOL टाइप का एक स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक, देखो इसका काम खत्म हुआ, अब इस पर हम आ गए। मान्य बात है हमने ऑपरेटर से ऑन किया, लेकिन हमारे मोटर के जो चक्कर है वे उल्टे हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें मोटर के ही चक्कर चेंज करने हैं, ना कि हमें स्टार्टर के, सॉरी ऑपरेटर से हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें स्टार्टर के चक्कर चेंज करने हैं। और किस तरीके से करने, देखो सारी चीज़ हम आपको दिखाएंगे किस तरीके क्या लगा। इधर जो होते हैं हमारे, इधर मोटर वाले तार होते हैं, सॉरी सप्लाई वाले तार होते हैं, L1, L2, L3 इस तरीके से ये हमारे वायर होते हैं। ठीक, इधर हमारे मोटर के वायर लगे होते हैं, इधर हमारे मोटर के वायर लगे होते हैं। ठीक है, और जिधर हमारे लाइन के वायर होते हैं उधर ही हमें इस ऑपरेटर के वायर भी हमें इधर ही लगाने होते हैं। ठीक, अब ऑपरेटर के पूरे कनेक्शन आपको किस तरीके से कर सकते हो, ये सारी जानकारी अगर आप पाना चाहते हो, यदि आप पूरे स्टार्टर के और ऑपरेटर के कनेक्शन पाना चाहते हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे ऑपरेटर के कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हो और आप अपने मिनिमम 100 से 200 रुपये कैसे बचा सकते हो मिस्त्री से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी होगी। तो इसके लिए फिर हम आपको ऑपरेटर में बताएंगे कि 9 वोल्ट का क्या काम करती है, कहाँ 9 वोल्ट कॉइल होती है, किस तरीके से ये वर्क करती है, ये ओवरलोड होती है तो ये किस तरीके से काम करती है, किटकैट फ्यूज के बारे में भी पूरा सब कुछ बताएंगे, और आपका जो ये ऑपरेटर है इसके बारे में और डीपली जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।